एक जमाना था यानी कि साल 2011 से पहले, जब लोग थोड़े से गुस्से में होते थे तो कहते थे कि देख मैं पागल हूँ, मुझसे पंगा मत ले। लेकिन साल 2011 में फिल्म आई रोहित शेट्टी और अजय देवगन की सिंघम, उसके बाद लोग अपने सर पर तीन उंगली मारते हुए जोर जोर से कहने लगे अता माजी सटकली। हे गाइस, की हालचाल, मैं हूँ अभिषेक। आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट, जहाँ पर आपको मिलती है बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें सबसे पहले, लेकिन जरा मौज मस्ती के साथ। तो जनाब, अब जिस सिंघम के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में नई अनाउंसमेंट हुई है, और अनाउंसमेंट ये है कि बहुत जल्द सिंघम 3 फ्लोर पर होने वाली है। जी हाँ, गोलमाल अगेन की सक्सेस के बाद रोहित शेट्टी और अजय देवगन इतने खुश हैं कि खुशी खुशी में उन्होंने अनाउंस कर दिया है सिंघम 3 के बारे में। वैसे मानना पड़ेगा कि जब जब रोहित शेट्टी और अजय देवगन साथ में आए हैं, तब तब बॉक्स ऑफिस पर हुआ है कमाल, और ये कमाल होता है अच्छे कलेक्शन के साथ। अब देखो ना, जब 2011 में सिंघम आई थी तो इसे बनाया गया था 38 करोड़ के बजट में, लेकिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 141 करोड़। वहीं पर जब 2014 में फिल्म आई सिंघम रिटर्न्स, तो इसने कमाए थे वर्ल्ड वाइड 217 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन अब जब रोहित शेट्टी ने अनाउंस कर दिया है कि सिंघम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म बहुत जल्द फ्लोर पर होगी, बहुत जल्द हम लोगों के सामने होगी, तो इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है सिंघम 3 के साथ दबा के कलेक्शन। वैसे सितंबर 2017 में ये भी रूमर्स थे कि सिंघम 3 में अजय देवगन की बजाय होंगे सनी देओल, लेकिन वहां पर सनी पाजी करते क्या, चिल्ला चिल्ला के हैंडपंप उखाड़ते। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो अता माजी सटकली में अजय देवगन ही सेट बैठते हैं, इसीलिए रोहित शेट्टी ने क्लियर कर दिया कि सिंघम 3 अजय देवगन के साथ ही होगी। वेल, सिंघम की कहानी क्या होगी इसके बारे में आपको बताते हैं। ये एक सुपर हिट मलयालम फिल्म एक्शन हीरो बीजू की हिंदी रीमेक होने वाली है। जी हाँ, एक्शन हीरो बीजू 2016 में आई थी, एक मलयालम फिल्म है जिसमें लीड रोल प्ले किया था निवीन पॉली ने। लेकिन सिंघम 3 के अनाउंसमेंट के साथ रोहित शेट्टी ने कहा क्या है। रोहित शेट्टी ने कहा है कि सिंघम एक बड़ा ब्रांड है, जब तक लोग चाहेंगे हम गोलमाल और सिंघम इन दोनों के सीक्वल लाते रहेंगे, और जब हमें लगेगा कि लोग ऊब गए हैं, उबासियां लेने लगे हैं, तब हम रुक जाएंगे, कुछ और नया सोचेंगे। लेकिन रोहित भाई, आपकी गोलमाल और सिंघम फ्रेंचाइजी दोनों सुपर डुपर हिट है, फिलहाल तो इसमें हमें फिल्में देते रहिए। तो ये तो हुई अजय देवगन की सिंघम के बारे में बात, लेकिन गोलमाल अगेन के बाद कौन कौन सी फिल्में लाइंड अप है अजय देवगन की, उसके बारे में जरा बात करते हैं। 2018 में अजय देवगन की सबसे पहली फिल्म होगी रेड, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार गुप्ता साहब। ये फिल्म 20 अप्रैल 2018 को रिलीज होगी। रेड के बाद बात करें तो आने वाली है अजय देवगन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, जो कि होगी लव रंजन के निर्देशन में। ये फिल्म भी 2018 में रिलीज होगी, और 2018 के बाद आएगी 2019 में अजय देवगन की तानाजी। तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के घनिष्ठ मित्र और एक वीर निष्ठावान सरदार थे। इन्हीं पर यह फिल्म बनाई जाने वाली है, जो कि आएगी 2019 में। वहीं पर सिंघम 3 का अनाउंसमेंट कर ही दिया है, साथ ही साथ काजोल के साथ भी अजय देवगन की एक फिल्म आने की बात चल रही है। कह तो ये भी रहे हैं कि स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है। उसके अलावा एक और फिल्म है जो पहले से ही बहुत चर्चाओं में है, जिसका नाम है सन्स ऑफ सरदार। सारागढ़ी के युद्ध पर ये फिल्म बनने वाली है, 2019 तक तैयार होगी। फिलहाल स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, लेकिन इसकी रिलीज डेट क्या है इसके बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। पर एक चीज अच्छी है कि अजय देवगन के अच्छे दिन आ चुके हैं, बस अब बात यही रह जाती है कि इनकी इतनी सारी फिल्मों के सामने अब कोई डेट को लेके क्लैश करेगा, बॉक्स ऑफिस पर टकराएगा, तो अजय देवगन को बोलना पड़ेगा अता माजी सटकली। फिल्मी बीट में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए बिना देरी किए सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट को, एंड यस, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो आपको पता ही है। ओके, बाय।